चैनल ब्लश ब्लश लव। आज मैं उड़िया में बात नहीं करूँगी, हिंदी में बात करूँगी, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है और वो चाहते हैं कि मैं ये स्किन केयर रूटीन उनके साथ मैं हिंदी में शेयर करूँ। और कुछ दोस्तों को मतलब उन लोगों को पता है कि मैं बोल देती हूँ उन लोगों को कि मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में ये आने वाला है, तो फिर वो बोलते हैं अगर स्किन केयर रूटीन रहेगा तो फिर प्लीज़ हिंदी में बात करना, क्योंकि हमें उतने लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो फिर ठीक है, मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर लेते हैं हिंदी में, क्योंकि मैं इतनी हिंदी में परफेक्ट नहीं हूँ और मुझे कम्फर्टेबल भी फील नहीं होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में प्रॉब्लम होगा मुझे, प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिएगा जो हिंदी मतलब अच्छे से जानते हैं जिनका लैंग्वेज है। तो फिर मैं आप लोगों के सामने आज कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ, मैं लेके आई हूँ एक ब्यूटी प्रोडक्ट जिसे मैं कहती हूँ मेरा फेस पैक, जो जिसे मैं कहती हूँ मैजिक पैक। वो रियली सच में वो एक मैजिक ही है, मतलब मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ की हूँ मैं, मतलब बहुत सी घरोई टाइप का, मतलब घर में बना के भी वो पैक जो करके लगाते हैं वो भी लगाई हूँ, बाहर में जो मार्केट में मिलता है वो भी लगाती हूँ। तो जितना भी मैंने लगाई हूँ उसमें से मुझे बेस्ट बेस्ट से बेस्ट पूरा यही चीज़ लगा। और मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं बता ही देती हूँ वो मैजिक क्या है। वो मैजिक ये है, दिख रहा है आप लोगों को, प्रोफेशनल O3+। ये एक D10 पैक है, मैं एक साल से इसे यूज़ कर रही हूँ। मुझे ये चीज़ गिफ्ट में मिला था पहले, एक साल पहले मेरी बर्थडे में मुझे गिफ्ट में मिला था, तो मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट की थी ये। इसका ग्राम्स, ये 300 ग्राम्स में आता है और बहुत अच्छी क्वालिटी है इसका। और इसका फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू इतना अच्छा नहीं रहता है, अगर आप खुशबू की बात करें तो मेडिसिन टाइप स्मेल आता है, मेडिकेटेड है, मतलब स्मेल से वही पता चलता है। इसका प्राइस आता है 1350, हाँ 1350 इसका प्राइस है। ये मेड इन इंडिया है। इसके बारे में और ज़्यादा क्या बताऊँ, मुझे तो इससे प्यार हो चुका है पहले से ही, मतलब जब मैंने यूज़ की इस प्रोडक्ट को तब से मुझे इससे प्यार हो गया है। मतलब हम लोग लेडीज़ लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन, मतलब याद ही नहीं रहता है कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मतलब हमारे स्किन को हम सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है और ढक के रहना पड़ता है। जैसे कि हम लोग जाने से पहले हम फेस को स्क्रैप में ढक के जाते हैं। तो फिर जितना भी आप कुछ करें, फिर घर आते ही आपको थकान से महसूस होती है, आपकी स्किन भी डल हो जाती है सन के कंटेक्ट में आने के बाद ना, आपका स्किन पूरा काला काला हो जाता है, पैचेस हो जाता है, डार्क सर्कल्स हो जाती है। फिर क्या होता है प्रॉब्लम, क्या करें, पार्लर जाएंगे, पार्लर जाके फेशियल करना होता है। फेशियल में पहले वो क्या करेंगे, आपको ब्लीच कराएंगे। ब्लीच करने के बाद क्या होगा, आपका स्किन क्या होता है, वो ब्लीच से मैं जितना जानती हूँ कि वो स्किन को ख़राब करता है, ज़्यादा कुछ मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं घर पे आके यही चीज़ यूज़ करती हूँ। और आपको इसे यूज़ मतलब जैसे आप फेस वॉश कर लिए उसके बाद आपको क्या करना है, इसका एक मोटा सा लेयर लगाना है। इस पे जो क्रीम है, देखिए ये जो क्रीम है, आपको इसको मोटा सा लेयर लेके आपकी स्किन पे पूरा यूज़ करनी है। यूज़ करने के बाद आपको 15 या 20 मिनट या 25 मिनट या 30 मिनट आपको वेट नहीं करना पड़ता है, या फिर आपको ये सूखेगा आपको वेट करना पड़ेगा पैक लगा के बैठे। आजकल तो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं सब लोग, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 मिनट रहना है लगा के, 4 मिनट। 4 मिनट के बाद आपको इसको पानी में धो देना है, या फिर आपका कोई ठंडा वाला टॉवल पानी में इसको निचोड़ के उसी टॉवल से आपको फेस को क्लीन कर लेना है। वेट टिश्यू हो या फिर कुछ भी जो आपके पास है उससे आप कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। और ये आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिए, एक बार कीजिए, मतलब आप घर बैठे इसे मंगा सकते हैं अमेज़न से या फिर नायका से। मेरा एक साल पहले एक खत्म,
खत्म हो चुका है और मैं ये दूसरा मंगाई हूँ और मैं इसे नायका से मंगाई हूँ और आप लोग प्लीज़ वहीं से मंगाइए, घर बैठे मंगाइए, आराम से इसे यूज़ कीजिए। 4 मिनट सिर्फ आपको लगेगी इसको लगाने में। और हाँ, आप इसका एक डिमेरिट्स ये है कि इसका खुशबू अच्छा नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये आपके स्किन में लगाने के बाद थोड़ा जलती है, ये एरिया और ये एरिया, मेरा थोड़ा नोज एरिया और ये अपर लिप एरिया थोड़ा जलती है, और आँखों के साइड में लगने से भी थोड़ा जलन होती है। जलन मतलब जैसे ठंडा ठंडा लगता है ना, मिंट जैसा आपको अम्बरतान जेल या फिर विक्स वगैरह लगाने से जैसे जलता है वैसा वाला फील होता है, पर ये बहुत अच्छा लगता है। आप टॉयलेट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं लगेगा उसमें। अब उसके लिए डरिएगा मत कि आपका जल रहा है या फिर कुछ हो रहा है, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों का स्किन बहुत ग्लो करता है इसके बाद। मैं सीधा ही पार्टी में चली जाती हूँ, मुझे और मेकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इससे टैन भी हट जाती है और थोड़ा स्किन में ग्लो और ग्लॉशी, मतलब जैसे ग्लास वाला ग्लेज आता है ना, वही वाला लुक्स आता है। एक बार ट्राई कीजिए, अगर पसंद नहीं आएगा तो फिर प्लीज़ मुझे आप डिस्क्रिप्शन में, मेरा जो डिस्क्रिप्शन बोलते हो सॉरी, वो मेरा कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ आपने जो बोला सही या फिर गलत। मुझे कैसे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने यूज़ किया है। ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए है, कोई भी यूज़ कर सकता है, पर 18 साल के ऊपर जो है लेडीज़ है या फिर जेंट्स है वो ही यूज़ करें, बच्चे यूज़ ना करें तो अच्छा है। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही, ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मैं रात में बैठ के ये ब्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, कल मिलेंगे, कोई नया वीडियो लेके आऊँगी। अभी कोई आइडिया नहीं है क्या बनाऊँगी, जो बनाऊँगी लेके आऊँगी तब आपको पता चलेगा, ठीक है। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा दे, मतलब पूरा देखिए, आधा से मत ऑफ कर लीजिए, पूरा देखिए मेरा वीडियो। चलिए बाय, और भी आगे मैं, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैं आपको आगे और अच्छा अच्छा प्रोडक्ट के बारे में जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मतलब अच्छा रहता है, मैं वही आपको सच्चाई बताऊँगी। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।